गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS डेली करेंट अफेयर MCQ डिस्कशन में आपका स्वागत है। UPSC हर साल 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर से संबंधित पूछती है। ये 25 अलग अलग आयामों से होते हैं। हम अपने डिस्कशन में कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस जैसे द हिंदू, मिंट, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा TV इत्यादि से IAS में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ MCQ के रूप में उसे डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 10वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 जानकारियाँ दी गई हैं, आपको उनमें से सही कथन की पहचान करना है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के सरकारी नीतियाँ योजनाएँ, GS पेपर 3 के रोजगार से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन कहता है, यह एक सार्वभौमिक योजना है जो एक वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, जो एक मांग को व्यक्त करता है। दूसरा कथन कहता है, यह योजना ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाती है। और तीसरा कथन कहता है, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है। आपको मनरेगा के संबंध में दिए गए 3 कथनों में से सही कथन की पहचान करना है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें पहले कथन का, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मनरेगा एक ऐसा सार्वभौमिक योजना है जिसमें मुख्य रूप से अकुशल भारतीय मजदूरों को हर साल कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। यदि कोई व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के पास जाकर या फिर जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर रोजगार के लिए कहता है, तो उसे 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यदि हम बात करें इसके दूसरे कथन का, जिसमें बताया गया है कि इस योजना को ग्राम पंचायत के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, ये बिल्कुल सही है, इसे आप याद रखेंगे। तीसरा कथन कहता है कि यह एक कानूनी अधिकार के रूप में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का उपाय है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2005 में कानून बनाकर इस योजना को लागू किया गया और ये एक कानूनी अधिकार के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि अभी न्यूज़ में क्यों आया है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100 दिनों के काम को एक साल के अंतर्गत पूरा कर लिया है। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लोगों के पास पैसे कम हैं और रोजगार की अवसर भी कम है। ऐसे समय में लाखों के संख्या में जो ग्रामीण लोग हैं, जो प्रवासी के रूप में पहुँचे हैं, शहरों में रहते थे लेकिन प्रवासी भारतीय के रूप में अब ये वापस अपने गांव को लौट आए हैं, उन लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, साथ ही वैसे लोग जो 100 दिनों के रोजगार को पूरा कर चुके हैं उन लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ संगठनों के द्वारा इसे 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन करने का आग्रह किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको याद रखना है, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें मनरेगा का, तो इसे 2005 में एक कानून बनाकर लाया गया था। इसका लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को सुधार करने के लिए जो अकुशल मजदूर हैं उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, साथ ही इस रोजगार के कार्य को करवाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़क हो या फिर पंचायत भवन हो या फिर अस्पताल हो, उनका निर्माण किया जाए। यह श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय है जिसका उद्देश्य कार्यों का अधिकार की गारंटी देना है। जिस परिवार को इसके अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है उनको एक जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत या फिर संबंधित निकाय के पास जाकर रोजगार के लिए कहता है, तो उसे 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार उपलब्ध कराना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यदि 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जा सका तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, बेरोजगारी भत्ता
संबंधित राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, न कि केंद्र सरकार के द्वारा। हालांकि इस योजना को 2005 में कानून बनाकर लाया गया, लेकिन सबसे पहली बार इसे अधिनियम के रूप में 1991 में लाया गया था, लेकिन ये उस समय पास नहीं हो सका था। रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो संबंधित संस्थान को दी गई है, उसे संबंधित व्यक्ति के निवास के 5 किलोमीटर के आसपास ही दी जाएगी। यदि 5 किलोमीटर के बाहर उस व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को अलग से बोनस भी दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो आपको याद रखनी है। ये कोई क्वेश्चन के रूप में, किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें कुछ अन्य बातों का, तो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मनरेगा को जोड़ा जाता है। अगर मनरेगा को सही रूप से लागू की जाती है, तो इसके माध्यम से गरीबी को कम किया जा सकता है, जो SDG के गोल संख्या 1 में लिखा गया है। SDG के गोल संख्या 2 में भूख के बारे में लिखा गया है। यदि लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, पैसे मिलते हैं, तो निश्चित रूप से वे भूख से भी लड़ पाएंगे। साथ ही जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, उनको भी कम करने में मनरेगा कार्य कर सकता है। एजुकेशन इत्यादि में भी काम कर सकता है, क्योंकि यदि किसी परिवार का माता या पिता पैसा कमाएगा, तो वो निश्चित रूप से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही सही, लेकिन भेजने में सक्षम हो पाएंगे। ये जेंडर इक्वालिटी पर भी ध्यान देता है, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया है कि 33% कम से कम महिलाएं काम करेंगी ही करेंगी हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत। तो इसलिए ये लैंगिक समानता को भी ध्यान में रखता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के क्षेत्र में भी कार्य करता है, क्योंकि यदि मनरेगा के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, तो वो सामानों को बाजार से खरीदेंगे, मांग जनरेट होगा। तो इसलिए ये इकोनॉमिक वृद्धि को भी ध्यान में रखता है। इसी तरह से इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कार्य करता है, और सामाजिक समानता के क्षेत्र में भी मनरेगा कार्य करता है। तो आप याद रखेंगे, ये 10 गोल हैं जो मुख्य रूप से कार्य करते हुए SDG के गोलों को प्राप्त करने, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते हैं। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, गोल्डन क्रिसेंट अवैध अफीम उत्पाद के एशिया के 2 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है। यहाँ पर 3 देशों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि गोल्डन क्रिसेंट इनमें से किन देशों को मिलाकर बनता है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 3 के सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें गोल्डन क्रिसेंट का, तो भारत एक ऐसे क्षेत्र में बसा हुआ है जिसके एक ओर अफीम और अवैध कारोबार का क्षेत्र चलता है। एक ओर गोल्डन क्रिसेंट है, तो दूसरी ओर गोल्डन ट्रायंगल है। दोनों ही क्षेत्रों में कुल अफीम उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन किया जाता है। अब आप सोच के देखिए कि भारत में कितनी ज़्यादा नशाखोरी संबंधी गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन भारत की सरकार, चाहे कोई भी हो, ये इसको रेगुलेट करने में सफल रही है। अगर हम बात करें गोल्डन क्रिसेंट का, तो इसमें मुख्य रूप से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं, जहां पर अफीम की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। और इसके ठीक भारत के पूर्वी हिस्से में गोल्डन ट्रायंगल है, जहां पर वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार हैं। यानी कि यहां पर आपको गोल्डन क्रिसेंट दिया गया है, और जो नाम दिए गए हैं वो गोल्डन ट्रायंगल के दिए गए हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें कि अभी न्यूज में क्यों आया है, तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल के द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी किए गए हैं। उसके अनुसार बताया गया है कि अफीम के जब्ती के मामले में 2018 तक भारत विश्व का 4th सबसे बड़ा देश रहा है। यानी कि भारत में अफीम आता है, लेकिन उसे जब्त कर लिया जाता है, और जब्ती के मामले में भारत 4th स्थान पर रहा है। 3 सर्वोच्च देशों में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रहे हैं। वैसे ही हेरोइन के जब्ती के मामले में भारत 12वें स्थान पर रहा है।
फ्रेंड्स, आपको इन सारे बातों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको जो बातें याद रखना है उसे आप सुने। वो ये है कि अफीम के उत्पादन के मामले में एशिया विश्व का 90% हिस्सेदारी रखता है। साथ ही अफीम के उत्पादन के साथ साथ उपभोग के मामले में भी 90% से ज़्यादा हिस्सेदारी एशिया ही रखता है। तो पहली बात तो आप इसे याद रखेंगे। अगर हम इसी से संबंधित कुछ और अन्य बातों को ध्यान दें जिसको आपको याद रखना है, वो ये कि जो हेरोइन होता है वो अफीम के पोस्ते यानी कि जो फूल होते हैं उनके रस से बनाया जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। शायद UPPCS में ये प्रश्न पूछा था कि अफीम कहाँ से निकाला जाता है, तो इसे आप ध्यान रखें। जो अफीम का कारोबार होता है वो लगभग 50 अवैध रूप से लगभग 50 देशों में उत्पादन किए जाने वाले अफीम का होता है, और लगभग 97% अफीम केवल 3 देशों में उत्पादित किए जाते हैं। यहां मैं नहीं है, मैं है, ध्यान रखेंगे। 84% जो अफीम है वो अफगानिस्तान से निर्मित की जाती है, और 7% म्यांमार से, लाओस से 1%, उसी प्रकार से कुछ अन्य देश जैसे मैक्सिको से 6%, कोलंबिया और ग्वाटेमाला से भी 1% का उत्पादन किया जाता है। तो आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो अफगानिस्तान में, और दूसरा जो स्थान है वो म्यांमार का है, और भारत के दोनों जो हैं वो आसपास में ही हैं, तो इसे आप ध्यान रखें। इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि गोल्डन क्रिसेंट जो है वो एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल जो है वो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, इनको मिलाकर बनता है, और बीच में है भारत। तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है भारत के लिए आप इसे देख सकते हैं। यदि सरकार ढीले पड़ जाए तो ये लूट खाएंगे। अगर हम बात करें इस संगठन का जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल के द्वारा इसे जारी किया गया है। ये संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यालय है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समूह का सदस्य है। कहने का मतलब है कि 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य रखे गए हैं, तो उसको कैसे पूरा किया जाए, कैसे लागू किया जाए, इस दिशा में कार्य करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ड्रग्स, अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इनके क्षेत्रों में कार्य करना है। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियां, वैकल्पिक विकास संबंधी गतिविधियां, आपराधिक न्याय, जेल सुधार, आपराधिक निवारण, या फिर HIV/AIDS से संबंधित कुछ मामले हों, मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर संगठित अपराध, पायरेसी, टेररिज्म इत्यादि के क्षेत्र में भी यह संगठन कार्य करता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 जानकारियां दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करना है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2-3 के रक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन कहता है, सीमा प्रबंधन विभाग रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये गलत है, क्योंकि सीमा प्रबंधन विभाग रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। काफी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे विवाद हुए हैं चीन के साथ, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा कथन कहता है, दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क लद्दाख क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन की एक परियोजना है। यह बिल्कुल सही है, जो अक्साई चीन का क्षेत्र है उसके ठीक पैरेलल में जो सड़क का निर्माण किया गया है वो दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क है, जिसका निर्माण सड़क सीमा संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये रोड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सड़क मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ये सही जानकारी पूछी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला गलत है।
तो सबसे पहले आप इस सड़क को देखें, ये यहाँ पर है जो लेह को यहाँ दलूत बेग ओल्डी से जोड़ता है। ये अक्साई चीन के लगभग पैरेलल में चलता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जब इस सड़क को निर्मित किया जा रहा था तो चीन के द्वारा बहुत बार रोकने की कोशिश की गई, और यही जो अभी आपने देखा वो इसी की एक प्रतिक्रिया थी। तो इसे आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो यही कि आपको ये पूछा जा सकता है कि यह सड़क कहाँ पर है, क्योंकि ये नाम काफी डिफिकल्ट है तो पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें कुछ अन्य सड़कों का, तो भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा लगभग 3,323.57 किलोमीटर की बॉर्डर लगने वाली सीमा पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ताकि अच्छी तरह से बॉर्डर को मैनेज किया जा सके। साथ ही यदि जरूरत पड़े तो जो भी युद्ध सामग्री है उनको आसानी से उस क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। लगभग 75% जो कार्य हैं वो पूरे किए जा चुके हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर चीन को चिढ़ है। अगर हम बात करें सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसे सबसे पहले 1960 में माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका कार्य सिर्फ बॉर्डर के क्षेत्रों में रोड का निर्माण करना नहीं है, बल्कि इस संगठन के द्वारा भारत के पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान में भी सड़क का निर्माण किया जाता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सबसे महत्वपूर्ण आपको यही याद रखना है, ये सड़क मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, काटसा जिसे अक्सर खबरों में देखा जाता है वो क्या है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार से जोड़कर देख सकते हैं। आपके दिए गए ऑप्शन में भारत और अमेरिका के बीच बुनियादी जमीन के काम का निर्माण करने और आतंकवादियों के बीच अंतर को बढ़ावा देने के लिए रसद संधि, संयुक्त समझौते जो कि उन देशों के साथ हस्ताक्षर करते हैं जिनके पास सैन्य संबंध है। तीसरा कहता है रूस, ईरान या उत्तर कोरिया के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन देन में संलग्न देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए मैकेनिज्म सपोर्ट के लिए दुनिया भर में अमेरिकी सुविधाओं के लिए भारतीय पहुंच के लिए तंत्र की स्थापना की गई है। तो आपको बताना है कि काटसा जो बहुत ज्यादा खबरों में बनी रहती है, विशेष रूप से जब से ट्रंप आए हैं, तो ये किससे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप याद रख लीजिए, काटसा जो है वो एक ऐसा कानून है जो अमेरिकी संसद के द्वारा निर्मित की गई है। ये कानून मुख्य रूप से रूस के खिलाफ निर्मित की गई है। इस कानून के में क्या कहा गया है कि कोई भी देश ईरान, रूस या फिर उत्तर कोरिया के साथ किसी भी प्रकार का हथियार के लेन देन, साथ ही सैन्य संबंधी गतिविधि रखता है या फिर ट्रेड करता है, तो उस देश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा काटसा कानून कहता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यहां कहा गया है कि रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ रक्षा या खुफिया क्षेत्र के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण लेन देन में संलग्न देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यदि भारत रूस के साथ, ईरान के साथ या फिर उत्तर कोरिया के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन करता है, व्यापार करता है, रक्षा संबंधी रसद को खरीदता है, तो भारत पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि चीन के साथ जैसे ही विवाद बढ़ा, भारत के द्वारा बहुत सारे हथियारों को रूस से खरीदा गया या फिर सौदेबाजी पर आगे बढ़ा गया है। तो इसलिए भारत को इस कानून के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और यदि की जाती है तो इससे निश्चित रूप से भारत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जब ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया था उस समय कुछ देशों को इससे छूट दी गई थी, और उनमें से भारत भी एक था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से इसका निर्माण 2018 में किया गया और उसी समय ये प्रभावी हुआ।
इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो रूसी राष्ट्रपति को परेशान करना था, क्योंकि उन पर 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण करने का आरोप लगता है। सीरिया के गृह युद्ध में भी खुद को शामिल करने पर अमेरिका को इससे दिक्कत थी। 2016 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ अमेरिका में, उसमें भी आरोप लगाया गया कि रूस के द्वारा इस पर हस्तक्षेप किया गया है। तो इन सभी मामलों पर दंड देने के लिए इस कानून को लागू किया गया था। तो आप याद रखेंगे हमारे डिस्कशन का पांचवा प्रश्न क्या कहता है, बुबोनिक प्लेग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 3 के विज्ञान और मुख्य रूप से बीमारियों से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन कहता है, यह एक जूनोटिक बीमारी है जो अन्य जानवरों या मनुष्यों में प्रेषित हो सकता है। जूनोटिक बीमारी का मतलब क्या होता है, यदि कोई बीमारी जानवरों से उत्पन्न होता है और मनुष्यों में पहुंचता है, या फिर जानवरों से उत्पन्न होकर जानवर और जानवर के बीच फैलता है, तो उस बीमारी को जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। तो पहला कथन कहता है कि जूनोटिक बीमारी है जो अन्य जानवर या मनुष्यों को भी फैल सकता है, ये बिल्कुल सही है। ये पुरानी बीमारी है फ्रेंड्स, जूनोटिक बीमारी यानी कि बुबोनिक प्लेग जो है वो मुख्य रूप से जानवरों से उत्पन्न होता है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है और जानवरों से मनुष्यों में भी फैल सकता है। हालांकि मनुष्यों से मनुष्यों में फैलने की के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है, जिस प्रकार से कोरोना एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल रहा है उसी प्रकार से बुबोनिक प्लेग के फैलने की जानकारी नहीं है। अगर हम बात करें इसके फैलने का मुख्य स्रोत, तो कुछ कीड़े होते हैं, कुछ मच्छर वगैरह होते हैं जिनके काटने के बाद ये फैल सकते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसे जानवर जो बुबोनिक प्लेग से पीड़ित हैं उनके कुछ तरल पदार्थ जैसे कि उनके मांस से मुंह से निकलने वाले लार या फिर उनके शरीर के रक्त इत्यादि के संपर्क में आता है तो ये बीमारी फैलती है। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा कथन क्या कहता है, यह क्रिदंकों से पिप्सु द्वारा प्रेषित एक गंभीर वायरल बीमारी है। यही मैंने बताया कि कुछ कीटों के काटने से यह फैलता है, मच्छर इत्यादि के काटने से फैलता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कहता है, इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, यह बहुत पुरानी बीमारी है। अभी हाल फिलहाल में फिर से उत्तरी चीन के एक शहर में इसे नोटिफाई किया गया, तो इसलिए यह न्यूज में है। हालांकि ये पुरानी बीमारी है, इसके लिए वैक्सीन बनाई जा चुकी है, तो तीसरा गलत हो जाता है। क्योंकि आपको सही पूछा गया है इसलिए इसका आंसर आप यहां देखेंगे तो नहीं है, मतलब ऑप्शन में पहला और दूसरा नहीं है, तो इसलिए आप याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, क्योंकि यहां पर जो जानकारी दी गई है पहला और दूसरा ये नहीं थी, तो इसे आप ध्यान रखें। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात ये कि यदि किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है और इसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है तो WHO का कहना है कि 24 घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो ये इतनी खतरनाक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।